animated movie. He has won the Dadasaheb Phalke Award in his film Direct Ish and his next new upcoming movie in Marathi, which is named as Ye. I'll try to stand at direction with Bhavna ko samjha karo. Samjho. Samjha karo, right? Bhavna ko samjho. Okay. Today he's quite a popular actor who is seen in quite a few films as well as Sunil ji, I would request you, please. Thank you, sir. Bye. अपना हिस्सा बहुत ही फेवरेट एंकर है सबकी, बहुत ही कम समय में फेमस हो गई है। आज बच्चा बच्चन का नाम जानता है, क्या नाम है आपका? बच्चा कैसे जानता हूँ, बच्चा नहीं। गोपी बल्ला साहब नमस्कार, मेरे फेवरेट गुलगुले। वो मुझे याद है मेरे दादाजी का फेवरेट शो था, है बल्कि, लेकिन वो कहते हैं बेटा वो लगाना, बोला कौन सा? फिर बाद में पता चला वो FIR लिखना चाहते हैं। ऑडियंस ऐसा प्रेजेंट करने को समझ ही नहीं है भाई, आप लोग क्या करने गया हो? किशन मनो पड़े हैं। मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे भाई अभिषेक जी का। ऑफ कोर्स मैं इस बात के लिए बहुत छोटा सा कलाकार हूँ, लेकिन इनका बड़प्पन है कि हमेशा मुझे बिना भूले बुलाते हैं, अपने लिस्ट में हमेशा याद करते हैं, चाहे दिल्ली का फंक्शन हो चाहे कहीं का भी फंक्शन हो, मुझे बुलाकर सम्मान देते हैं। सर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। इतना सम्मान तो मुझे मेरे घर वाले भी दे देते हैं, हालांकि मेरे घर वाले घर से संबंध है, सच बताऊं कि ना ऐसे संबंध है घर वाले, लेकिन आप लोग दे रहे हैं सम्मान। हमारे रवि किशन जी बहुत ही प्यारे इंसान, उनका जुमला बड़ा हिट हुआ था, जिंदगी झंडबा तब हो रमंडबा। अगर ताली नहीं बजा तो मत बजाओ, बड़ी इतनी गजी सी मत दिखाओ। जो लोगों को अवार्ड मिला तो खुश हो रहे, जिनको नहीं मिला वो बैठे बैठे सोच रहे हैं मेरे साथ पॉलिटिक्स हुई। रवि जी कभी पटना जाकर आया कार्यक्रम करके, बड़ा बहुत ही मजा आया, और पूरे यूपी और बिहार के लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, सुपरस्टार है भोजपुरी के, और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जबरदस्त इंसान है, दिल के साफ है, दिमाग के भी मतलब दिमाग को भी गुजर चुके। राकेश बेदी साहब के लिए क्या कहूँ, राकेश बेदी हमारे गुरु हैं, आइडल है, और हमको हमेशा गाइड करते रहते हैं कॉमेडी के मामले में। सौंदर्य तुम थोड़ा राइट या लेफ्ट हो जाओ, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा। हम कलाकार को माइक मिलता है तो छोड़ते नहीं हम लोग, हालांकि माइक मिलने के बाद ही छोड़ते हैं। सर अनिल जी हंस रहे हैं तो अच्छा हो गया, हमारे पैसे वसूल हो गए, धवन परिवार घर से हमारी कॉमेडी तो अच्छा लगेगा। एक छोटा सा किस्सा सुना रहा हूँ आप सबको, इस तरह से विराम चाहूंगा। बेदी जी एक दिन मुझे टूटे फूटे मिले, कौन से जब पर क्या हुआ, वो क्या तू तो जानते तेरी भाभी जो भी पिक्चर देखती है बिल्कुल वही बर्ताव मेरे साथ करती है। बाहुबली देखे जा रही है आमतौर पर जो अच्छे बॉलर होते हैं वो अच्छे बैट्समैन नहीं होते, आपको सबको पता ही होगा।
एक बॉलर ने अच्छी खासी इज्जत कमाई बॉलिंग करके और वो पवेलियन में बैठा हुआ था और भगवान से प्रार्थना करके कि मुझे बैटिंग का मौका मिले, मगर उसकी बदकिस्मत उसको बैटिंग का मौका मिल गया, फटाफट बैट्समैन से आउट हो गए। जैसे उसको बैटिंग का मौका मिल गया जीरो पे आउट हो गया, बेचारा टेंशन में फ्रस्ट्रेशन में मेरे घर के मजदूर रोता मिला, मैंने क्यों रो रहे हो भाई क्यों रो रहे हो? तो शाहरुख खान के फिल्म दिलवाले के गाने में कहता है, सुनिएगा बड़ा मजा आएगा, गौर से सुनिएगा, वैसे भी आप लोग गौर से सुन रहे हैं। पवेलियन से निकल मैदान में खेल के फर्स्ट बॉल में ही स्टंप उखड़ गया, सोचा छक्का देके सबको चौंका दूंगा पर मैं खुद बाउंड्री से बाहर हो गया, जॉब है छूटा ख्वाब है टूटा किसकी लगी है बदुआ, मैं था खिलाड़ी गैरुआ अब हो गया हूँ बारुआ, मुझको मिला वो दारुआ वरना तो कहे केरुआ। तो आप भी जानो हर साल इसी तरह से इज्जत देते रहो, अवार्ड देते रहो और अभिषेक बच्चन साहब को चंदा देते रहो, प्यार भावना का चंदा है और उनकी हिम्मत और उनके इस प्रयास में साथ में रहिए। अन्ना जी की फिर लोग हैं, आप किसी की बात की ना सुनो मेरी सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आज अन्ना जी जो फरमाइश है अन्ना हजारी जी, अगर अभिषेक साहब को शुभकामनाएं दें आज मेरे को अच्छा लगा है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है मेरे को अच्छा लगा है, ये सब कार्यक्रम होना चाहिए। प्रयत्न करने वाले को अवार्ड मिलता है, जैसे दिल्ली वाले को मिला था अरविंद केजरीवाल, आपको भी मिला है अच्छा लगता है। प्रयत्न करते रहिए, प्रयत्न वालों के में हमेशा पक्ष ना हो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, अवार्ड लो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, लेकिन जो भी करने का मेरा नाम योजना करने का है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद आपके साथ में ऐसे ही है, अगर जिंदगी में कभी गड़बड़ हो तो मुझे बोलने का, मैं आपको आंशन करना सिखाऊंगा। अगर मोदी अभिषेक बच्चन सर को अपनी शुभकामनाएं देते तो कैसे देते? मोदी जी आपको तो पता है, जब से कंवल जी सर जब से मोदी जी हवाई जहाज की यात्रा बहुत करने लगे हैं तो अब उनकी आवाज में भी हवाई जहाज की इफेक्ट आने लगे। भाई बहनों नदरा, आज मैं ऑल इंडिया अचीवर अवार्ड को शुभकामनाएं देने खुद आने वाला था मित्र, निकल ही बना था कि अचानक मुझे याद आया आज मेरी एक और विदेश की यात्रा है, तो मैं वहां चला गया, लेकिन मेरे मन में जो है हाल वो सुनाएगा सुनील पाल। तो मित्रों बिल्कुल मत रो, अगले साल आऊंगा और ये अवार्ड लेके जाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।